हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द डिजी लेसन्स ऑफ नवांकुर विद्यापीठ। आइए आज हम क्लास फर्स्ट के चैप्टर फर्स्ट को समझने की कोशिश करेंगे। इस चैप्टर का नाम है शेप्स एंड स्पेस। इसके अंदर आज हम इनसाइड और आउटसाइड को जानेंगे। तो बच्चों, इनसाइड मतलब अंदर की ओर और आउटसाइड मतलब बाहर की ओर। तो हम अब स्टार्ट करते हैं द अरब एंड हिज कैमल। जैसा कि चित्र में अरब को दिखाया गया है और कैमल, अरब और उसका ऊँट। इट वॉज अ कोल्ड विंटर डे। द अरब वॉज ट्रैवलिंग ऑन द कैमल बैक। सर्दियों का एक दिन था, अरब ऊँट की पीठ पर ट्रैवल कर रहा था। एट नाइट द अरब पिच्ड हिज टेंट। रात को अरब ने अपना टेंट लगाया। टेंट को ब्लू दिखाया गया है। एंड बेंट इनसाइड इट, और उसके अंदर चला गया। द कैमल वॉज आउटसाइड, और ऊँट बाहर रह गया। फिर कैमल बोलता है, मैं आई पुट माय नेक इनसाइड। क्या मैं अपनी गर्दन अंदर कर सकता हूँ? इट इज टू कोल्ड आउटसाइड। बाहर बहुत सर्दी है। तो अरब बोलता है, ओके यू मे पुट योर नेक इनसाइड। तुम अपनी गर्दन अंदर कर सकते हो। फिर कैमल फिर से बोलता है, मैं आई पुट माय फ्रंट लेग्स इनसाइड। इट इज टू कोल्ड आउटसाइड। क्या मैं अपने फ्रंट लेग्स अंदर कर सकता हूँ? आगे के पैर अंदर कर सकता हूँ? बाहर सर्दी है। तो अरब फिर थोड़ा सोचता है, फिर बोलता है, ओके यू मे पुट योर फ्रंट लेग्स इनसाइड। तुम अपने फ्रंट लेग्स इनसाइड मतलब अंदर की ओर कर सकते हो। फिर कैमल थोड़ी देर बाद फिर बोलता है, कैन आई कम इनसाइड? इट इज़ टू कोल्ड आउटसाइड। क्या मैं पूरा अंदर आ सकता हूँ? बाहर बहुत सर्दी है। तो फिर अरब बोलता है, ओ नो द टेंट इज टू स्मॉल फॉर बोथ ऑफ अस। ओ नहीं, टेंट बहुत छोटा है हम दोनों के लिए। तो कैमल बोलता है, सो आई एम कमिंग इनसाइड एंड यू गो आउटसाइड। तो मैं अंदर आ रहा हूँ और तुम बाहर जाओ। आज बच्चों, हमने इस चैप्टर में तीन चीज़ों को जाना है, कैमल, अरब एंड टेंट। आइए अब हम इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो आज हम बिगर और स्मॉलर को जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, टिक द बिगर। राइट बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको स्मॉल बताना है। तो टिक द स्मॉलर, स्मॉल, राइट। इसी टाइप से नेक्स्ट में भी स्मॉल को दिखाना है। आप सर्कल करके भी टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको फिर से स्मॉल पर ही टिक करना है। तो बच्चों, आपको टायर दिखाई दे रहे हैं, इनमें स्मॉल टायर को सर्कल करके टिक कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।